साल बाद बीजेपी इस बात को स्वीकारने के ठीक है। ठीक है भैया, संजय जी आपके पास आऊंगी तो बड़ी खबर बता दें, यूपी विधानसभा में गोरखपुर उपचुनाव को लेकर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। तो जो खबर हमने बताई थी कि मतगणना के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया, तो उसका मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा है और राम गोविंद चौधरी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जो मीडिया को बाहर रखा गया। सपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया है, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। तो यूपी विधानसभा में गोरखपुर उपचुनाव को लेकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां पर 8 राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद महज पहले राउंड की ही घोषणा की गई थी और फिर मीडिया को ही रोक दिया गया। और जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान भी हमको आपको बता रहे हैं कि गोरखपुर की राह भी बीजेपी की अब मुश्किल होती नजर आ रही है। तो फिलहाल ये मुद्दा विधानसभा में गूंजा है और राम गोविंद चौधरी समेत जो भी विधायक हैं सपा के, उन्होंने हंगामा किया है वेल में आकर, जिसके चलते कार्रवाई को 10 मिनट तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गोरखपुर में मीडिया को वोटिंग स्थल में जा, जो भी यहां पर काउंटिंग जो सेंटर बनाए गए हैं, मतगणना स्थल जो बनाए गए हैं, वहां जाने से रोका गया है। तो बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि 2 सीटों का महज उपचुनाव नहीं है। यहाँ पर चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी गठबंधन हो, जिसने अपनी पुरानी तमाम गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिलाया था, या फिर वो कांग्रेस हो, सबके लिए अपनी अपनी स्थिति आंकने का एक बहुत बड़ा मौका है, सबका बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो फिलहाल सदन के अंदर जो ये मुद्दा गूंजा है वो आप देख सकते हैं, राम गोविंद चौधरी जिन्होंने मीडिया को मतगणना स्थल से बाहर रखे जाने पर सवाल उठाए हैं। हुआ है लेकिन निर्वाचन होता है, हम सदस्य निर्वाचन, आप प्रश्नोत्तर काल में नहीं होते, प्रश्नोत्तर एक मिनट सुन लीजिए, कैसे सुन ले प्रश्नोत्तर काल में, अभी गोरखपुर में निर्वाचन हुआ है आप, और गणना में वहाँ के पत्रकारों को वहाँ के कर्तव्य, आप वरिष्ठ नेता है, आप वरिष्ठ नेता है, ठीक नहीं है, कृपया बैठे, सदन के कार्यवाही स्थगित करके कृपया स्थान ग्रहण करने के मांग कर रहे हैं। क्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है गोरखपुर में, लोकतंत्र की पत्रकारों को मार करके खदेड़ दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं हुआ है लेकिन निर्वाचन होता है, हम सदस्य निर्वाचन, आप प्रश्नोत्तर काल में नहीं होते, प्रश्नोत्तर काल एक मिनट सुन लीजिए, कैसे सुन ले प्रश्नोत्तर काल, अभी गोरखपुर में निर्वाचन हुआ है आप, और गणना में वहाँ के पत्रकारों को वहाँ के कर्तव्य, आप वरिष्ठ नेता है, आप वरिष्ठ नेता है, ठीक नहीं है, आप बैठे, कृपया बैठे, कृपया बैठे, कृपया स्थान ग्रहण करने का। तो हंगामा हुआ है विधानसभा में, कवरेज हमारी लगातार जारी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।